नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं राजेंद्र देव। भाजपा के दिग्गज नेताओं के चुनाव प्रचार के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। पांचवें चरण के प्रचार के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बहराइच और बस्ती में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके लिए दोपहर 1 बजे पहले बहराइच के कैसरगंज विधानसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे और वहीं दोपहर करीब 3 बजे शाह बस्ती पहुंचेंगे और यहां के हरैया नेशनल इंटर कॉलेज में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का भी आज गोंडा दौरे का कार्यक्रम है और यहां पर वो सालपुर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 तस्वीरें प्रधानमंत्री की जो अमेठी और प्रयागराज में सभाएं करेंगे, मुख्यमंत्री की जो कि अयोध्या बाराबंकी इन सब इलाकों में श्रावस्ती में सभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे। बहराइच और बस्ती में गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह गोंडा के सालपुर में कार्यक्रम करेंगे। और इसके अलावा विपक्ष के नेता भी आज चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रतापगढ़ में हुंकार भरते दिखाई देंगे। सपा का विजय रथ लेकर वो प्रतापगढ़ की सभी सीटों पर जनसंपर्क करेंगे और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बाराबंकी और गोंडा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी, जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती दोपहर करीब 1:30 बजे बस्ती में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगी। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी पांचवें चरण में यूपी में प्रचार करने आज पहुंच रहे हैं। आदित्य ठाकरे आज प्रयागराज और सिद्धार्थनगर जिलों का दौरा करेंगे। डुमरियागंज और सोराव में आदित्य ठाकरे शिवसेना प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे और वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी आज महाराजगंज में चुनाव प्रचार करेंगे। यहां की पनियरा और फरिंदा विधानसभाओं में वो जनसभा करेंगे और गोरखपुर में एक रोड शो भी करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का भी आज बहराइच दौरा है। और अब बात चौथे चरण के चुनाव के बीच में ही विनिंग ट्रॉफी की। अखिलेश यादव गोंडा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे और यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं ने उन्हें विनिंग ट्रॉफी दी जिस पर लिखा था विजेता 2022। अखिलेश यादव बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि पहले 2 चरणों में ही सपा ने शतक लगा दिया है सीटों का, विधानसभा सीटों का, और 4 चरण के बाद दोहरा शतक लग गया है। जितना भरोसा अखिलेश को अपनी जीत का है उससे ज्यादा उनके कार्यकर्ताओं को जिन्होंने उन्हें विनिंग ट्रॉफी ही दे दी। तो इस गठबंधन की ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे कोई दिखाई नहीं देगा। बहराइच से गोंडा तक अखिलेश की गर्जना। इनकी गाड़ियों से झंडे उतर गए कि नहीं उतर गए? इनके मकानों से भी झंडे उतर गए अब बीजेपी के। और जिस समय श्रावस्ती के हमारे गरीब किसान नौजवान वोट डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी या कोई खाता नहीं खुलने वाला। 4 चरण के बाद ही हाथ में उठाया जीत का कप। मैच अभी भले आधा हुआ हो लेकिन अखिलेश ने आधे ही मैच में विनिंग कप उठा लिया है। ये तस्वीर है गोंडा के कर्नलगंज की, जहां अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं ने उन्हें विजेता वाला कप थमा दिया। अखिलेश भी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 4 चरणों में ही सपा ने दोहरा शतक जड़ दिया है और 5वें चरण में ऐतिहासिक बहुमत का लक्ष्य भी हासिल हो जाएगा। जनता में मुकाबला चल रहा है कि कौन सा चरण ज्यादा जिताया जाए समाजवादी पार्टी को। पहले और दूसरे में ही समाजवादी पार्टी ने शतक लगा दिया है, पता कर लेना। तीसरे चौथे ने एक और शतक लगा दिया है। छोटे छोटे दलों को टीम में शामिल करके अखिलेश यादव पक्की तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। पिछले 3 चुनाव में भले ही उनकी गेंद फुल टॉस जा रही हो लेकिन इस बार वो यॉर्कर डालकर दिखा रहे हैं कि पिछले दिनों उन्होंने खूब नेट प्रैक्टिस की है। वो तो कह रहे 1 करोड़ स्मार्टफोन बांटे उन्होंने और उनके दूसरे मंत्री का आपने नहीं सुना, उन्होंने कहा कि 12वां करने के बाद जो इंटर पास होंगे उन्हें लैपटॉप दिया जाएगा।
जब से उन्होंने ये लैपटॉप की बात की है, जनता लोटपोट हो रही है इस बात पे, और शुक्र है इस बात का, शुक्र है इस बात का इन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर के बाद जो 10वां पास करेंगे उन्हें लैपटॉप दे देंगे। नतीजे तो 10 मार्च को ही आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव जीत का कप आसमान में उठाकर अपना हौसला दिखाना चाह रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि 4 चरणों के बाद वो कितने पॉजिटिव हैं। भाजपा के नेताओं पर वो एक ही ओवर में कई यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, ये घर घर जाकर के बहुत प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, और जो पर्चे थे उनमें थूक लगा करके जनता को बांट रहे थे। जब से जनता ने उन्हें लाल वाला सिलेंडर दिखाया है, वो डोर टू डोर नहीं, अब दूर से प्रचार कर रहे हैं। 2022 के सियासी मैच का जो आधा हिस्सा अखिलेश यादव खेल चुके हैं, उसमें उनके उप कप्तान जयंत चौधरी और चाचा शिवपाल यादव भी थे। अब आगे की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर और अपना दल कमेरा वादी को उप कप्तान बनाकर खेलने की है। लेकिन इस बीच 5वां चरण भी होना है, जहां से अखिलेश लीड बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि बार बार वो जमीनी मुद्दों को भी हवा दे रहे हैं। पहचान गड्ढों से, बाढ़ से और सांड से। अभी जब मैं पिछली बार आया था गोंडा इसी सड़क से, जब इसी सड़क से मैं चल के गया तो डिवाइडर पे जहां पेड़ पौधे होने चाहिए थे, वहां हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय जानवर बैठा दिखाई दिया। अखिलेश ने टीम भी तैयार कर दी, यॉर्कर भी खूब डाल रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी कई सारे हैं। सवाल ये है कि कहीं फिर उनकी फेंकी यॉर्कर फुल टॉस ना बन जाए। सवाल ये भी है कि कहीं फिर उनकी टीम के खिलाड़ी कमजोर ना पड़ जाएं। और सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि पूर्वांचल की पिच पर जहां भाजपा का इतिहास चट्टान जैसा मजबूत है, वहां अखिलेश का हौसला उन्हें जिताएगा या जमीन पर उनकी मजबूत तैयारी। क्या अखिलेश के पास ये दोनों ताकत मौजूद है? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, बयान तीखे होते जा रहे हैं। कल 5वें चरण के प्रचार के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साइकिल बम वाला अटैक कर दिया, तो अखिलेश ने 22 में साइक्लोन लाने का दावा करके हड़कंप मचा दिया। यूपी की चुनावी लड़ाई में वैसे तो योगी वर्सेज अखिलेश के बीच ये चल रही है, लेकिन 5वें दौर में माहौल सभी बना रहे हैं। फिर चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, योगी हों, अखिलेश हों या प्रियंका गांधी हों। भारत माता की, तुम्हें सिर्फ बैलेट बॉक्स ही दिखता है, तुम्हें किसी की जिंदगी नहीं दिखती। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अदृश्य हो जाएंगे। करहल के लोगों ने भी तय कर दिया है सपा मुखिया की जमानत जब्त कर। आप मुख्यमंत्री, आपका सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, वहाँ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जी खांसते हैं आपको पता चल जाता है, आप चिट्ठी लिख लेते होंगे। 5वें दौर की लड़ाई, महारथियों की चढ़ाई, आएंगे तो योगी ही। कैसे ही सरकार में आए। 12 बंकी से कौशाम्बी तक प्रधानमंत्री मोदी की ललकार, परिवारवाद पर किया तूफानी प्रहार। परिवार वाले नहीं है लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं। 22 की जंग में अखिलेश का साइक्लोन वाला संदेश, कि लग रहा है कि इस बार साइकिल के संग संग साइक्लोन आ रहा है। अमेठी से रायबरेली तक योगी की हुंकार, समाजवादी नाम है काम तो दंगावादी है या आतंकवादी है। 5वें दौर की अग्नि परीक्षा, प्रियंका ने ली प्रतिज्ञा, ये नहीं चाहते आपका विकास, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का विकास चाहते हैं। यूपी में 4 दौर की लड़ाई खत्म हो गई है, अब सबकी नजरें 5वें दौर की लड़ाई पर टिकी हुई है, जिसके लिए राजनीति के महारथियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी खुलकर मैदान में आ गए। यूपी कह रहा है आएगी तो
भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने दो रैलियां की, पहली बाराबंकी और दूसरी कौशाम्बी में। इन दोनों रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव पर तीखे हमले किए। हम परिवार वाले नहीं है, लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं। ये जो कह रहे हैं हमारे बीजेपी के वाले कि हम घोर परिवारवादी हैं, ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम लोग घोर परिवारवादी हैं, हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं। परिवार वाले लोग ही परिवार वाले लोगों का दुख दर्द समझ सकते हैं। तो अखिलेश यादव भी कहां चुप बैठने वाले थे। अखिलेश यादव ने बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती, गोंडा में धुआंधार प्रचार किया और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। हवा समाजवादी पार्टी की चल रही है, साइकिल की वो रफ्तार है कि लग रहा है कि इस बार साइकिल के संग संग साइकिल लोन आ रहा है। इधर जब से मैंने नजर रखना शुरू किया है, कभी कभी शाम को धुआं उड़ता नजर आता है वहां। और अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ पुताई वालों को जाते देखा। मैंने पूछा पुताई वालों से कि कहां जा रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के धब्बे लग रहे हैं उन पे पुताई करने जा रहे हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने जनता से झूठ बोला कि नहीं बोला? इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे तो आप देखोगे जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा सफेद झूठ बोल रहे हैं। सियासत का सबसे हाई वोल्टेज ड्रामा अमेठी में देखने को मिला, जहां सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साइकिल बम से वार कर सूबे की सियासत को गरमा दिया। यो बहनों, क्या ये सच नहीं कि अहमदाबाद में जितने भी विस्फोट हुए थे सब साइकिल में बम लेकर के गए थे? क्या ये सच नहीं है? जगह जगह प्रदेश में जो विस्फोट हुए थे क्या इसमें साइकिल का इस्तेमाल नहीं हुआ था? 2019 में जिस अमेठी रूपी किले को भाजपा ने जीत लिया था, अब उसे फिर से अपने पाले में लाने के लिए प्रियंका गांधी मैदान में उतर आई। बुधवार को प्रियंका ने अमेठी की सड़कों पर रोड शो निकाला तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान प्रियंका ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। तो सोचिए और अच्छी तरह से समझिए, आपके सामने आकर आतंकवाद की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, धर्म की बात होती है, जाति की बात होती है, छुट्टे जानवर की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी, महिलाओं को सशक्त करने की बात नहीं होगी। आपको बता दें, पांचवें चरण में 11 जिलों की 61 सीट पर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इसमें अमेठी के साथ साथ अयोध्या और प्रयागराज जैसे जिले भी शामिल हैं, जिसके जरिए आने वाले चरणों की हवा बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर ने खुद को अनपढ़ और अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को भी गधिया गोल का कह डाला। आप भी देखिए उन्होंने क्या कहा। अखिलेश यादव जी विदेश पहले हुआ, हमारे तो गधिया गोल वाला, हमारे इन दोनों जिला अध्यक्ष ये लोग गधिया गोल वाला। खबर लखनऊ से, वहां के आलमबाग में कुछ कांवड़ियों की एक कार ड्राइवर से बहस हो गई और इसके बाद कांवड़ियों ने कार ड्राइवर के साथ मारपीट की और कार में तोड़फोड़ भी की। कहा यह जा रहा है कि कांवड़ से कार टच होने पर यह सारा विवाद हो गया। तस्वीरें देखिए आप, कांवड़ से कार टच हुई और उसके बाद यह विवाद आप देख लीजिए। कार ड्राइवर को कांवड़ियों ने पीट डाला। इधर हापुड़ के थाना गढ़ कोतवाली इलाके में मध्य गंगा नहर की पटरी पर झरीना गांव के पास तेजी से आई नील गाय ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि शीशे को तोड़कर नील गाय कार के अंदर घुस गई और इसमें नील गाय की कार के शीशे में फंसकर मौत हो गई, जबकि कार चालक मामूली रूप से जख्मी हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से जैसे तैसे नील गाय को बाहर निकाला। याद है क्यों खुला?
पीछे उठा के देख लो थोड़ा गाड़ी।